नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23 अगस्त से होने वाली है रे एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है एग्जाम को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है प्लान ऐसा कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए प्लान ऐसा कि धांधली करने वाले कुछ सोच भी ना पाए एग्जाम से दो दिन पहले से लेकर एग्जाम खत्म होने के बाद की भी परिस्थितियों का हर तरफ से आंकलन किया जा रहा है दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और हर छोटे से छोटे पहलू पर खास तौर पर ध्यान देने के निर्देश दिए जिसके बाद भर्ती बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने तगड़ा प्लान बना लिया एग्जाम सेंटर के साथ साथ रास्तों पर भी सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी एग्जाम सेंटर पर एक्टिव रहेगी यूपीएसटी एफ लोकल पुलिस क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां हर संदिग्ध पर खास नजर रखी जाएगी एग्जाम सेंटर पर पर्यवेक्षक के तौर पर एसपी से लेकर सीओ स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे एग्जाम सेंटर के आसपास की दुकानें भी पुलिस की रडार पर फोटोकॉपी वाली दुकानें और साइबर कैफे पर भी पुलिस की नजर रहेगी यहाँ तक की मोटरसाइकिल स्टैंड भी पुलिस के रडार पर है दरअसल फरवरी 2024 में यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम होने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए भयंकर हंगामा किया यूपी के अलग अलग जिलों में खूब विरोध प्रदर्शन हुआ इसके बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल कर दिया था कहा गया कि छह महीने के बाद दोबारा से एग्जाम होगा और अब तेईस चौबीस पच्चीस तीस और इकतीस अगस्त को यूपी पुलिस भर्ती का री एग्जाम होने जा रहा है जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है जो बंदोबस्त है इस बार भर्ती बोर्ड की तरफ से बहुत बदस् स्तर पर एक एस बनाई गई है और भर्ती बोर्ड ने जो निर्देश जारी किए गए हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट द्वारा साथ उसके साथ लखनऊ के द्वारा भी जो उनका अनुपालन कराया जा रहा है हर किसी की लाइबिलिटी और हर किसी का रोल डिफाइन किया गया है चाहे वो मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस हो उन सारी चीज़ों को रखते हुए कल ही इसकी एक वृद्ध जो है इसमें डेथ रिहर्सल हो चुकी है तो जो कमियाँ आई थी उनको भी दूर कर लिया गया है और इस बार जो एक अच्छे माहौल में और ये परीक्षा संपन्न होगी स्पेशल ट्रेन भी रेलवे से बात करके चलवाई गई हैं और साथ ही साथ जो रोडवेज की बसेज़ हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रोडवेज से सफ़र करने हमारा ये मानना है क्योंकि इस बार रेलवे का जो किराया माफ़ किया गया है उनके लिए तो वो उसकी व्यवस्थाएँ है पूरी हैं जो सी सी टी कैमरे लगे हैं उनके द्वारा कंट्रोल रूम पर फीड जाती रहेगी इसके साथ ही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने गाइडलाइंस भी जारी की है इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि इस बार कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए इस बार हर तरह की सख्ती बरती जा रही है जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर दो घंटे पहले पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर के गेट आधे घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे परीक्षा दो शिफ्टों में सुबह दस बजे से बारह बजे तक और दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक होगी तो सुबह के शिफ्ट में परीक्षार्थियों को साढ़े नौ बजे तक ही प्रवेश मिलेगा दोपहर वाले शिफ्ट में ढाई बजे एंट्री मिलेगी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए राज्य भर में सड़सठ जिलों के एक केंद्रों पर होगी इस एग्जाम में 48 लाख उम्मीदवार ने आवेदन किया है जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 23, 24, 25 अगस्त को है उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं इस दिन उम्मीदवारों को फ्री बस की सेवा भी मिलेगी बस उन्हें अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा एग्जाम शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा एडमिट कार्ड के साथ साथ आईडी प्रूफ भी जरूर लाना होगा जिन अभ्यार्थियों ने अपने आवेदन पत्र में आधार नंबर नहीं डाला है उन्हें हर हाल में दो घंटे पहले एग्जाम सेंटर में रिपोर्ट करना होगा ताकि तय समय में उनकी वेरिफिकेशन की जा सके एग्जाम सेंटर पर ही इन अभ्यार्थियों की केवाईसी होगी कोई भी अभ्यार्थी घड़ी पहनकर नहीं आ सकता एग्जाम सेंटर पर ही घड़ी लगी होगी परीक्षा केंद्रों पर कोई नोटबुक चिट कागज के टुकड़े पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक पाउच किसी भी तरह का कैलकुलेटर क्रेडिट कार्ड स्केल कॉपी मोबाइल स्मार्ट वॉच ज्वेलरी पर्स या पेन ड्राइव इरेजर लॉक टेबल इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर डिजिटल पेन चाबी कैमरा ब्लूटूथ इन पेजर हेल्थ बैंड काला चश्मा हैंड बैग टोपी खाने का सामान सिगरेट लाइटर माचिस गुटका लाना पूरी तरीके से बैन है फिलहाल इस खबर में इतना ही यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स धन्यवाद हम हैं देश के दिल उत्तर प्रदेश की धड़कन उत्तर प्रदेश टाइम्स